जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी पैनिक है लोगों में, खासतौर से अगर हम गरीबों की बात करें, अगर हम छोटे लोगों की बात करें, अगर हम BPL की बात करें, अगर हम AAY की बात करें, तो काफ़ी लोगों की में तशवीश की लहर है। जिस तरह से सरकार ने हाल ही में एक ऑर्डर निकाला और उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्टेट लैंड है या काश्तराई या रोशनी लैंड में, जिसमें भी रोशनी लैंड में जो भी लोग आते हैं या जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, यूनिट्स है या मकान है, तो ऑर्डर के हिसाब से तो सबों को हटाना है। लेकिन काफ़ी वक्त से सारे लोगों ने गुजारिश की थी सरकार को, एक बार हम फिर गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से कि जो भी गरीब लोग हैं, खास तौर से जो BPL या AAY है, जो ब्लू पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग आते हैं, उनसे इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग इसमें हैं, हमने पहले भी कहा और आज हम फिर कहते हैं कि जिस इंसान ने भी, मानते हम किसी स्टेट लैंड में या किसी और लैंड में छोटा मोटा घर बनाया होगा, तो अगर किसी के पास ज़मीन होती थी, उन लोगों के पास, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, अगर उनके पास ज़मीन होती थी, मुझे नहीं लगता था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे खर्च करके उस तरह से लगाते थे। हाँ, अगर किसी इंसान ने अपने मनसब का, अपने ताकत का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, तो उसमें सरकार देख सकता, हम उसमें उसके खिलाफ मतलब नहीं बोलेंगे या ना उसमें हमारा है कुछ। लेकिन जो भी गरीब है, जहाँ पे भी गरीब है, उनसे इंसाफ होना चाहिए। और ख़ास तौर से हम देख रहे थे कि जिस तरह से श्रीनगर में दुकानदारों के खिलाफ एक हम कह सकते हैं कि सख्ती की गई, अगर वो दुकानदार म्यूनसिपल कमेटी को रेंट भी पे करते हैं, बाकी चीज़ें भी देती, तो उनको भी रोका गया है, उनको भी बंद किया गया। उसी तरह से अगर हम और जगहों पर देखें, वहाँ पर भी जो छोटे मोटे दुकानदार है, जो अपना घर या खासकर नौजवानों की हम बात करें, अपना घर चलाते, अपनी फैमिली को चलाते, तो उनसे इंसाफ होना चाहिए। और हम इस वीडियो की वसादत से जो है एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि जो भी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने खुद कहा कि गरीब के साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा, तो उसी को ज़मीन पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से नोट्स या हिरासत या बाकी चीज़ें आम लोगों को भी होती है, गरीबों को होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर सीरियसली सोचेगा। अगर कहीं पे किसी ने गलत किया है, तो सरकार का बिल्कुल हक है वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन जहाँ पे गरीब है, जहाँ पे पोशीदा इंसान है, जहाँ पसमानदा इंसान है, जहाँ पे मजलूम इंसान है, इस विंटर, इस हर्श विंटर में, इस कोल्ड विंटर में उसको अगर सताया जाता है, अगर उसको तंग तलब किया जाता है, तो मुश्किलात में और इजाफा होगा, उनके बच्चे सफ़र होंगे, वो खुद सफ़र होंगे, तो चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और जो भी गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत कम अराजी होगी, जहाँ पर उन्हें अपने घर या छोटे मोटे घर बनाए होंगे, तो उस चीज़ को सरकार को ऑन वार फुटिंग बेसिस पे जो है कंसिडर करना चाहिए। जो ये सख्त कवानीन है, इनको रोल बैक करने की ज़रूरत है। असल में ये मुद्दा मकसद है, आम और गरीब इंसान के को जो तशवीश लाक है, उसको कम करने की ज़रूरत है, जिससे जो है समाज में एक बेहतर मैसेज आएगी। जहाँ पे बड़े लोगों ने बड़ी ज़मीनें खाई है या कवानीन का गलत इस्तेमाल किया है, तो सरकार वो देख सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ख़ास तौर से हमारी अपील रहेगी गरीबों के लिए कि गरीबों के साथ न छेड़ा जाए घरों को। इवन अगर कहीं कहीं दुकानदार है, छोटे मोटे दुकानदार है, उनको भी तंग तलब नहीं करना चाहिए। उनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है रोटी कपड़ा और मकान की, जो स्टेट की जिम्मेदारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी की गई है, तो उस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए। ये असल में मुद्दा मकसद है। शुक्रिया।